गुरुदेव महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिरम सुखम आसनम। यदि ये योग है तो योगा के कुछ स्कूल कड़े आसनों पर इतना महत्व क्यों देते हैं? आसन का महत्व इसलिए है कि वो हमारे भीतर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। योगासन से क्या, हमारे साथ जो अलग अलग सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सब सिस्टम पर असर करता है, इसलिए योगासन करते हैं। योगासन ही योग नहीं है, वो एक अंग है बस। और जो भी आसन करते हैं, आसन के साथ ये जो नियम बता पतंजलि ने, तो ये कि दो ही सूत्र बताए आसन के बारे में, स्थिर सुखम आसनम, दूसरा प्रयत्न शैतल्यात अनंत समापत्तिभ्याम, बस। बाकी तो अलग अलग और ग्रंथ हुए हैं, बहुत से ग्रंथ, उनमें से बताएं अलग अलग आसन, कंडभैरुंडासन, शवासन, भुजंगासन, ये सब आसन है। करें अच्छा, शरीर को मजबूत करने के लिए, रखने के लिए, निरोग रहने के लिए सब आसन उपयोगी हैं।